अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज के न्यूज़पेपर में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की तरफ से पंजाब के मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेक्टर के नर्सिंग कॉलेजेस में 4 ईयर बीएस नर्सिंग जेनेरिक के प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। मार्च 2020 में सबसे पहले डायरेक्टोरेट जनरल नर्सिंग सर्विसेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन सामने आता है जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और उनके साथ जो अटैच्ड सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस या नर्सिंग स्कूल्स हैं तो उनमें नर्सिंग के एडमिशन्स ऑफर किए जाते हैं। पंजाब के 16 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम की 1470 सीटें ऑफर की गई। इन प्रोग्राम्स की खास बात ये थी कि इनमें जितने भी कॉलेजेस थे उन सब में सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती थी, लेकिन सिर्फ एक कॉलेज था, कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा लाहौर में, जहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 सीटें रिजर्व की गई थी। और इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह थी कि इसमें सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को महाना स्टाइपेंड दिया जाता था, यानी 31,470 रुपये की रकम मुख्तस की गई कि कोई भी स्टूडेंट अगर दाखला लेने में कामयाब हो जाता है इनमें से किसी भी नर्सिंग कॉलेज में, यानी उन 1470 सीटों पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को महाना 31,470 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 मार्च 2020 थी और एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अब नर्सिंग का प्रोग्राम इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा मेडिकल के तलबा इसे तरजीह देते हैं, लेकिन अगर सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स आ रहे हों और ऊपर से सोने पे सुहागा कि आपको महाना स्टाइपेंड मिल रहा हो तो इस तरह के प्रोग्राम की जो वो फिर फेम है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लिहाजा जब ये एडमिशन्स क्लोज भी हो गए तो उसके बाद तलबा की तरफ से बार बार ये पूछा जाता था कि ये एडमिशन्स दोबारा से कब अनाउंस होंगे, क्या ये हर साल ही आते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। तो फिर अगले साल 2021 में दोबारा इसी तर्ज पर गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन्स किए गए और इस बार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग सर्विसेज पंजाब की तरफ से पंजाब के 28 कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग के 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन्स ऑफर किए गए। तमाम ही कॉलेजेस में नर्सिंग की 50-50 सीटें थी, लिहाजा ये टोटल 1400 सीटें बनती हैं। एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स के साथ किया हो और एफएससी प्री मेडिकल में कम अज़ कम 50% नंबर हासिल किए हों और कैंडिडेट का मेरिट सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स की बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। इन तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती थीं और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 मई 2021 थी और सिलेक्ट होने वाले तमाम स्टूडेंट्स को 31,470 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब ये जो मई 2021 में एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इसमें हज़ारों की तादाद में तलबा ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन अभी तक इसकी मेरिट लिस्टें डिस्प्ले नहीं हो सकी हैं, यानी इनका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसी के ही तसलसल में आज का ये नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें उन्होंने पिछले साल के एडमिशन नोटिफिकेशंस का हवाला दिया गया है कि बीएससी नर्सिंग जेनेरिक 4 साल डिग्री प्रोग्राम के दाखिले का नोटिस जो कि मई 2021 में रोजनामा एक्सप्रेस में शाया हुआ था, तो उस नोटिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग जेनेरिक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के उम्मीदवारों से नए अपग्रेड शुदा 28 कॉलेजों में एडमिशन के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। ताहम उन नए अपग्रेड शुदा कॉलेजों का पंजाब की मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों के साथ इलहाक का मामला अभी जेर अल्तवा है, जिसकी वजह से मजकूरा दाखिलों का अमल पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका है। यानी जैसे मैंने बताया कि पिछले साल जो 28 पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग में एडमिशन ऑफर किए गए थे तो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सके हैं और उसकी वजह यह है कि उन कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएशन होनी थी, जो इलहाक होना था, तो वो इल्तवा का शिकार हो चुका है और इन कॉलेजेस को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा। लिहाजा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब ने ऐसे उम्मीदवारों को जिन्होंने मई 2021 के इश्तहार के मुताबिक दाखिलों के लिए अप्लाई किया था तो अब उन्हें पंजाब के दर्ज झैल 15 नर्सिंग कॉलेजेस में जो कि पंजाब की मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों से इलाहाकशुदा हैं दाखिला देने का फैसला किया है। यानी पिछले साल 2021 में जिन 28 नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ऑफर किए गए थे तो वो एडमिशन कंप्लीट नहीं हो सके और अब चूंकि उनके इलाहाक का मसला है और वो अगर आप कॉलेजेस देखें तो वो काफ़ी छोटे छोटे शहरों के नर्सिंग कॉलेजेस थे और वो न्यूली एस्टैब्लिश थे, लेकिन चूंकि उनकी एफिलिएशन का मसला बन गया लिहाजा उनमें एडमिशन अब कंटिन्यू नहीं रहेंगे। इन कॉलेजेस में शामिल थे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डीएचक्यू हॉस्पिटल गुजरांवाला, इसके अलावा रावलपिंडी, जेहलम, फैसलाबाद, साहिवाल, शेखुपुरा, ओकाड़ा, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, भक्कर जंग, टोबा टेक सिंह, गोजरा, लोधरा, खानेवाल, विहाड़ी, पाकपतन, राजनपुर, लैया और बहावल नगर। तो इनमें से ज़्यादातर कॉलेजेस किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से एफिलिएट ना होने की वजह से अब अपने एडमिशन्स कंटिन्यू नहीं करेंगे, लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए जिन्होंने पिछले साल एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो अब ये वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स से एप्लीकेशन डिमांड की जा रही हैं जिन्होंने पिछले साल मई के महीने में अपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था।
तो वो अब इस मरतबा ये करेंगे कि इस मैनुअली अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और इस मरतबा नए कॉलेज उसमें शामिल कर दिए गए हैं और ज़्यादातर कॉलेज लाहौर के हैं। तो इन कॉलेज में शामिल हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिना हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर जनरल हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जायद हॉस्पिटल रहीमियार खान, कॉलेज ऑफ नर्सिंग होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान। तो ऐसे तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पिछले साल 4 ईयर BSc नर्सिंग जेनेरिक के प्रोग्राम में उन 28 न्यूली अपग्रेडेड पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग में अप्लाई किया था, तो उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि ऊपर बताए गए 15 कॉलेजेस में उम्मीदवारान के दाखिले खालिस्तन मेरिट अहलियत के मियार और साबका इश्तिहार के मुताबिक दिए जाएंगे। यानी अगर तो ऐसा होता कि पिछले साल जो एडमिशन्स एडवर्टाइज किए गए थे उन 28 कॉलेजेस में अगर उनकी एफिलिएशन हो जाती, उनमें एडमिशन्स कंप्लीट हो जाते, मेरिट लिस्टें लग जाती, तो अभी जो एडमिशन्स ऑफर किए जा रहे हैं तो इनमें न्यूली जो एप्लीकेंट्स हैं उन सबसे एप्लीकेशंस डिमांड की जानी थी, लेकिन चूंकि पिछले साल वाला एडमिशन्स कंप्लीट नहीं हो सके और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए जिन्होंने पिछले साल अप्लाई तो किया था लेकिन वो एडमिशन्स मुकम्मल नहीं हो सके हैं, तो अब उन्हें ये एक रियायत दी जा रही है कि सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था तो वो अब ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। पिछले साल मैनुअली अप्लाई हुआ था, इस साल ऑनलाइन अप्लाई होगा। नए एप्लीकेंट्स इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे बल्कि वही एप्लीकेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था। तो इन कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग में एडमिशन के लिए 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी की शाम 11 बजे तक वेब पोर्टल pna.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इस मरतबा नर्सिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB लाहौर के वजा करदा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए किए जाएंगे ताकि दाखिले के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। तमाम कैंडिडेट्स को वेब पोर्टल pna.punjab.gov.pk पर अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, डोमिसाइल और मैट्रिक के हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर खुद को रजिस्टर करना होगा। याद रहे कि दिए गए ऑनलाइन वेब पोर्टल पर 16 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। इसके अलावा हर कैंडिडेट को मजकूरा वेब पोर्टल पर पहले से अपलोड करदा उनकी दरखास्त फॉर्म में डेटा को देखने, तस्दीक करने और तरमीम करने तक की रसाई दे दी गई है। तमाम कैंडिडेट्स को अपने CNIC, मैट्रिक और FSC के सर्टिफिकेट की कॉपी वेब पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स इन 15 नर्सिंग कॉलेजेस में अपनी प्रेफरेंसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कैंडिडेट्स को सिर्फ ऐसे कॉलेजेस में ही एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा जिनकी प्रेफरेंसेस उसने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए सिलेक्ट की होंगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स की सहूलत के लिए इन 15 नर्सिंग कॉलेजेस में सहूलत मराकज भी कायम कर दिए गए हैं ताकि अगर किसी उम्मीदवार को ऑनलाइन सिस्टम को इस्तेमाल करने या समझने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश आती है तो वो कायम करदा मुतालिका सहूलत मरकज में राबता कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल नर्सिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो वो अब ऑनलाइन अप्लाई कर लें। इस मरतबा फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि पिछले साल के जो 28 कॉलेजेस थे तो वो निस्बतन पंजाब के छोटे छोटे शहरों में और अज़ला में मौजूद थे और मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे तलबा जो इन छोटे अज़ला से बिलोंग करते हों तो उन्होंने अपने ही सिटी के नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन जो कि अब उनमें से मोस्टली जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स कंटिन्यू नहीं किए जा रहे और अब उनकी जगह कॉलेजेस को रिप्लेस कर दिया गया है और अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इनमें बड़े शहरों के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन दिए जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है लेकिन मुमकिन है कि पिछले सालों की तरह इनमें चूँकि ये बड़े नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो हर कॉलेज में 100 नंबर ऑफ सीट्स तो लाजमी होंगी ही। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जो इस तरह के एडमिशन्स का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था तो मेरा ख्याल है कि अब उन्हें एक साल का मजीद इंतजार करना होगा क्योंकि हर साल ये नर्सिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स आते हैं जिनमें महाना जो है वो वजीफा दिया जाता है 31,470 रुपये का, जो कि नो डाउट एक बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन इस साल के जो एडमिशन्स हैं ये तो पिछले साल के एप्लीकेंट्स को दे दिए गए हैं। नए एप्लीकेंट्स को मुमकिन है अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अगले साल नए कॉलेजेस की अगर एफिलिएशन हो जाती है या इन्हीं कॉलेजेस में दोबारा से एडमिशन्स ऑफर होते हैं तो मेरा ख्याल है कि मार्च अप्रैल या मई के महीने में नेक्स्ट ईयर एडमिशन्स ऑफर होंगे। इन एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या रहनुमाई के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।